नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 3 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। पूरे देश में नीतीश सरकार पर उंगलियां उठने लगी हैं, जिसके बाद सीएम नीतीश का गुस्सा चरम पर है। गुस्साए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना किसी के बाढ़ बचाव और जल निकासी अधिकारियों के साथ लिए खुद ही जल संसाधन मंत्री और वित्त प्रधान सचिव और पटना के प्रभारी एस सिद्धार्थ के साथ राजधानी की सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा लिया। पटना के डीएम पर भड़के पप्पू यादव। बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री वितरण पर जाप प्रमुख पप्पू यादव ने पटना के जिलाधिकारी समेत आला अधिकारियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता के पैसे से जनता पर ही रौब चलाने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। पप्पू यादव ने बताया कि जब बाढ़ में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने पहुंचा तो वहां लोगों ने उन्हें बताया कि प्रशासन की ओर से जो सामग्री दिया जा रहा है वह बहुत ही घटिया किस्म का है। बच्चों के लिए जो दूध मिल रहा है वो भी सही नहीं है। लेकिन जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो उल्टा अधिकारियों ने उन पर ही रौब झाड़ना शुरू कर दिया। राबड़ी देवी ने की उपमुख्यमंत्री से धरना पर बैठने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना में बारिश के कारण हुए जलजमाव पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि आज से 20 साल पहले हमारी सरकार में सीवरेज की नियमित सफाई होती थी। भारी बारिश के कारण अगर 1-2 घंटे शहर के कुछ हिस्सों में कुछ इंच जलजमाव होता था तो उसी 2-3 इंच पानी में माननीय उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी धरने पर बैठ जाते थे। वहीं नीतीश कुमार और सुशील मोदी के 15 वर्ष के राज में 4 दिन से 5-6 फुट गंदा पानी शहर की सड़कों पर जमा है। ऐसी स्थिति में सुशील कुमार मोदी क्यों नहीं धरना दे रहे हैं। दरोगा भर्ती के लिए 22 दिसंबर को होगी परीक्षा। दरोगा, सर्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 22 दिसंबर को होने जा रही है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग इसके लिए तैयारियों में जुट गया है। परीक्षा के मद्देनजर राज्य के 36 जिलों में सेंटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें, इस परीक्षा के लिए 5.5 लाख आवेदन भरे गए हैं। बिहार उपचुनाव में नाथनगर क्षेत्र से 4 नामांकन हुए रद्द। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नाथनगर क्षेत्र के 18 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिनमें से 4 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। नामांकन पत्र में गलती होने के कारण भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के मनोहर मंडल, भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक के अजय कुमार मंडल, निर्दलीय दीपक कुमार, निर्दलीय रंजीत कुमार चौबे का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है, जिसके पश्चात अब केवल 14 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। सप्त क्रांति एक्सप्रेस में देखने को मिली महात्मा गांधी की जीवनी से जुड़ी पेंटिंग्स। रेलवे ने बापू के 150वीं जयंती पर यात्रियों अब सफर के दौरान करेंगे महात्मा गांधी की जीवनी से दर्शन। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार तक चलने वाली 1, 2, 5, 5, 7 सप्त क्रांति एक्सप्रेस की बोगियां महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी तस्वीरों और लेखों से सजाई गई है। मोहन से महात्मा बनने की थीम वाली प्लास्टिक कोटेड पेंटिंग से सजी इस ट्रेन का परिचालन बुधवार से शुरू हो चुका है। भागलपुर के राकेश कुमार डिप्टी कलेक्टर की नौकरी को छोड़ पढ़ाएंगे बच्चों को। आज हर कोई सरकारी नौकरी की तमन्ना रखता है, लेकिन एक ऐसे शख्स है जिन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ देश के युवा बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया है। यह इच्छा है भागलपुर के राकेश कुमार की। राकेश कुमार ने डिप्टी कलेक्टर की अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ बच्चों को पढ़ाने का फैसला लिया है। डिप्टी कलेक्टर की नौकरी में चयन होने के पहले राकेश मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज में पढ़ा चुके हैं। वे भूगोल के शिक्षक हैं। राकेश ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें फिर से विश्वविद्यालय में योगदान करने की अनुमति दी जाए। मोतिहारी जिले में खुली स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत की सच्चाई। गांधी जयंती की तैयारियां पिछले 1 साल से जोर शोर से चल रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गांधी जयंती के शुभ अवसर पर देश भर में स्वच्छता अभियान चलाने का आदेश दिया गया था, लेकिन मोतिहारी के बलुआ चौक से आई एक तस्वीर इस अभियान की असलियत बयां कर रही है। गांधी जयंती के मौके पर कई संस्थाओं और स्कूली बच्चों द्वारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की रैली निकाली गई थी, लेकिन उस रैली को ही अपने नाकों को बंद कर सड़क से गुजरना पड़ रहा है। बिहार की मोनी महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा। चाणक्य ने कहा था कि आत्मरक्षा से सबकी रक्षा होती है, इसी का प्रमाण पेश करती है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के इंद्रप्रस्थ मझोलिया की मोनी। मोनी अपने जिले की महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करती है। गांव में महिलाओं के बीच जाकर मोनी गोष्ठी के माध्यम से जागरूक करती हैं, तो शिक्षा क्षेत्र से महिलाओं को जोड़ने के लिए बच्चों को, खासकर लड़कियों को, स्कूलों से जोड़ती हैं। अपनी ग्रामीण महिलाओं को ठगी और फप्तियों का शिकार बनते देख मोनी सजग हुई, जिसके पश्चात उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने का यह फैसला लिया था।
बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों को आश्वस्त करते दिखे केंद्रीय मंत्री। बिहार में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने बिहार राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। एनडीआरएफ की टीम बिहार सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। जरूरत पड़ने पर अन्य अर्धसैनिक बल रवाना कर दिए जाएंगे। यह प्राकृतिक आपदा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की 20 टीमें मदद के लिए राज्य में तैनात हैं, जिनमें करीब 900 बचावकर्ता शामिल हैं। साल 2020 में मिलने वाली छुट्टियों की सूची हुई जारी। बिहार सरकार ने 2020 के लिए सरकारी छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। एनआई एक्ट के तहत अगले वर्ष कुल 37 दिन अवकाश रहेंगे। सचिवालय कर्मियों के लिए भी अगला वर्ष छुट्टियों के लिहाज से फायदेमंद होगा, क्योंकि शुक्रवार को कुल मिलाकर 9 छुट्टियां मिलने वाली है। पहले की तरह सचिवालय में 5 और क्षेत्रीय कार्यालयों में 6 दिनों की कार्य सप्ताह प्रणाली जारी रहेगी। छुट्टियों की शुरुआत गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी से होगी। पटना में बाढ़ में फंसे लोगों को पूरी सब्जी खिलाने पहुंचे पप्पू यादव। बारिश के कारण पटना के कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, बहादुरपुर, रामपुर, साकेतपुर जैसे दर्जनों मोहल्ले दरिया बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रभावित मोहल्ले के लिए पूर्व सांसद पप्पू यादव मसीहा बनकर सामने आए हैं। पप्पू यादव के आवास पर राहत कार्य के लिए सामानों को लाने का सिलसिला जारी है। उनके घर पर सामान पहुंच रहे हैं और उसे फिर ट्रैक्टर या अन्य वाहनों से लादकर फंसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पप्पू यादव खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान ने बापू की प्रतिमा पर किया मालार्पण। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के कई बड़े नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन और पुष्पांजलि अर्पित करने राजघाट पहुंचे। वहीं बिहार में भी राष्ट्रपिता को राज्यपाल फागू चौहान सहित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद पटना के गांधी मैदान में स्थित बापू की प्रतिमा पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित सूबे के कई बड़े नेता ने बापू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जाप के बाद अब वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने चलाया राहत अभियान। लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश में पटना के कई इलाकों में हजारों लोग भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। अपने घरों में फंसे लोगों के बीच राहत पहुंचाने का दौर जारी है। सरकार के द्वारा एनडीआरएफ की नाव और हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है। कई नेता भी अपने स्तर पर लोगों के बीच जाकर उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने में लगे हुए हैं। इसी बीच पटना के राजेंद्र नगर कंकड़बाग इलाके में वीआईपी द्वारा राहत अभियान चलाया गया, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया। बारिश की वजह से नहीं भर पाए सैकड़ों छात्र एनओयू का फॉर्म। लगातार हुई बारिश ने स्टूडेंट्स को भी अपने चपेट में ले लिया है। स्टूडेंट्स को अलग अलग कोर्स में एडमिशन कराने के लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना था, लेकिन लगातार हुई भारी बारिश की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, जिसके कारण वो फॉर्म नहीं भर पाए। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 30 सितंबर को एडमिशन की अंतिम तारीख थी। स्टूडेंट्स अब इस मामले में राज्यपाल सह कुलाधिपति से एडमिशन की डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए सरकार है तैयार। सूचना व जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों की सेवा के लिए सरकार हर तरीके से उपस्थित है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री सरकार की ओर से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश का कहना है कि सरकार के खजाने पर पहला हक बाढ़ प्रभावित लोगों का है। मंत्री मंगलवार को लखीसराय जिले के मोहनपुर, रामचंद्रपुर तथा पिपरिया पंचायतों में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पूरी तरीके से सतर्क और चिंतनशील है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जमाव क्षेत्रों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जल जमाव वाले क्षेत्रों का दौरा किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे, जहां लोगों के लिए बनाए जा रहे फूड पैकेट को स्वयं देखकर पड़ताल की, सभी सामानों की क्वालिटी को अच्छी तरीके से जांच की, साथ ही साथ पैकिंग की भी जांच की, जिसके बाद वह जल जमाव से प्रभावित इलाके सैदपुर का भ्रमण करने पहुंचे। यहां आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी और अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। जल जमाव से परेशान बिहारवासियों का टूटा सब्र का बांध। पिछले 5 दिनों से जल जमाव के कारण घरों के अंदर फंसे लोग सड़क पर उतर आए हैं, जिसके बाद पटना के नंदलाल छपरा, आसोपुर समेत इस इलाके के सैकड़ों लोग NH-30 को जाम कर दिया, जिसकी वजह से उस मार्ग पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे पटना का पानी उनके इलाके की ओर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण उनके मोहल्ले में 5 फीट से ऊपर पानी जमा हो गया है। लोगों का कहना था कि सड़क जाम तब तक चलेगा जब तक पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती।
बिहारवासियों की मदद के लिए आगे आए भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव। बिहार में 17 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी के बाद अब भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद की पहल की है। उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया है। लाइव में खेसारी लाल कह रहे हैं कि मैं पिछले कई दिनों से अपने लोगों से संपर्क कर रहा हूं कि मुझे प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए किस रास्ते जाना होगा। दरअसल वीडियो के माध्यम से खेसारी लाल ने सुझाव मांगा है कि वो किस प्रकार लोगों की मदद कर सकते हैं, ये उन्हें बताएं। आधार की तरह हर प्लॉट का होगा अपना यूनिक नंबर। आधार कार्ड की तरह अब हर जमीन का अपना पहचान नंबर होगा, उसी यूनिट नंबर से प्लॉट की पहचान होगी। राज्य सरकार ने हर प्लॉट को यूनिट नंबर देने का निर्णय लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। यूनिक नंबर मिलने के बाद कंप्यूटर पर नंबर डालते ही प्लॉट से संबंधित सारी जानकारी सामने आ जाएगी। सरकार के इस कदम से फर्जीवाड़े पर भी रोक लगाई जा सकेगी। सभी जिले दे धान और मक्के की रिपोर्ट कृषि विभाग। कृषि विभाग ने सभी जिले से धान, मक्का और खरीफ फसलों की रिपोर्ट की मांग की है। पिछले 3-4 दिनों से हुई बारिश के बाद इन फसलों की रिपोर्ट तुरंत सौंपने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा किसानों की आवश्यकता अनुसार कीटनाशक और खाद आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का जिम्मा कृषि पदाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया है। सभी जिलों के अधिकारियों से प्रारंभिक स्तर पर फोन से सूचना ली है। पटना में बारिश पर लगा ब्रेक, निकल गई धूप। पटनावासियों के लिए खुशखबरी, पटना शहर में मंगलवार को सुबह से लेकर शाम तक नाम मात्र के लिए भी बारिश दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद पटनावासियों ने राहत की सांस ली है। बारिश के बाद धूप भी खिल गई है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि यह तापमान अभी भी सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। अभी नहीं खोले जाएंगे पटना के स्कूल। बारिश के कारण हुए जलजमाव अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। परिस्थितियों को देखते हुए पटना के डीएम ने राजधानी के सभी स्कूलों को अभी और 2 दिन बंद रखने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद पटना के सभी स्कूल 4 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। हालांकि पटना की कई निजी स्कूल ने पहले ही दुर्गा पूजा की छुट्टियां घोषित कर दी थी। नित्यानंद राय ने समस्तीपुर तट बंद का लिया जायजा। आधे से ज्यादा डूबे बिहार में अब जोर शोर से राहत कार्य किया जा रहा है। इसी बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। मोहनपुर, मोहिउद्दीन नगर और विद्यापति नगर के प्रभावित इलाकों में लोगों से बातचीत भी की है। साथ ही गंगा तटबंध का जायजा लेते हुए अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के लिए राहत एवं बचाव कार्य करने का आदेश दिया है। इसके अलावा पशु चारा और बच्चे बुजुर्गों की विशेष देखभाल रखने को भी कहा है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में छाए रोहित। भारतीय टीम के दमदार खिलाड़ी रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले जा रहे टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेलने के साथ ही भारत के तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। पहली बार टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करने उतरे दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 91.22 के औसत से टेस्ट क्रिकेट में रन बनाकर भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कम से कम 10 टेस्ट मैच खेलने के बाद सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।